गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म कैसे हैं आप लोग आज हमने एक चेंज किया है इस समय मैं लेकर आई हूँ वो कैबलरी का सेशन और आज सी का पेपर नहीं आया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है कि कल सुबह हम लोग लेकर आ रहे हैं सी एच एस एल यानी कि 2019 में 2019 का जो अभी अभी 2020 में हुआ है ना पेपर सारा अक्टूबर में जितने भी पेपर हुए हैं सी एच एस एल के और उससे पहले मार्च में जितने भी पेपर हुए थे सी एच एस एल के उन सब का हम लोग क्या करने वाले हैं उन सब का हम लोग ईडीएम एंड फ्रेजेस कल सुबह सात में एक साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं तो दिस क्लास इज गोइंग तो टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्पेशली तो वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेन्स

important announcement why it is not working let's see this here again we have started with this uh, announcement of a class गाइज देखो ए क्वान टेस्ट सीरीज के नाम से अभिनय शर्मा जी जो है वो एक सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हो रहे मैथ्स के टेस्ट ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है जो कि कल हुआ था नवंबर टेन को और इसमें टेस्ट वन एसएससी सीपीओ हुआ था चार बजे कल शाम को चार बजे जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था इसका एनालिसिस भी जस्ट बैक टू बैक होता है चार बजे टेस्ट हुआ पांच बजे एनालिसिस हो गया तो एक सेशन ये कल हो चुका है इसके अलावा आज यानी कि नवंबर अलेवन क्योंकि आज है तो टेस्ट हुआ एसएससी सीजीएल का सुबह-सुबह 10:00 बजे और इसका एनालिसिस अभी बाकी है तो आप एनालिसिस भी देख सकते हो क्वेश्चंस का अगर आपने मिस कर दिया तो एनालिसिस का सेशन होगा 6:00 पीएम यानी अभी आफ्टरवर्ड्स एंड सीजीएल का तो यही सेशन है इसके अलावा सीपीओ के बहुत सारे सेशंस और हैं देख सकते हैं आप टेस्ट टू है सीपीओ का टेस्ट थ्री है सीपीओ का टेस्ट फोर भी है सीपीओ का टेस्ट टू टेस्ट थ्री टेस्ट फोर इन सब का टाइमिंग सेम है फोर पी एम फोर पी एम यानी शाम को चार बजे ही होगा जब भी होगा और एनालिसिस भी शाम को पांच बजे ही होगा जब भी होगा बैक टू बैक एनालिसिस है डेट्स आर नवंबर फिफ्टीन नवंबर सेवनटीन एंड नवंबर ट्वेंटी टू तो ये दोनों हो चुके हैं ये तीनों बाकी हैं एनालिसिस और सी uh, पी के टेस्ट के साथ तो बैक टू बैक मैथ्स का टेस्ट दे दीजिए एनालिसिस देख लीजिए ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी प्रॉब्लम ना हो इसी के साथ चलिए अब चलते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट करने के लिए आज मॉर्निंग में क्या प्रॉब्लम हो गई थी आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी गाइज मतलब ट्राई करने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था देखिएगा कौन सा कलर मैच कर मतलब चल रहा है अच्छे से दिखाई दे रहा है बताइएगा जरा इस पिंक पे तो हम उसी कलर को ले लेंगे ठीक है कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा आपको जल्दी से बताइएगा। हाँ, आज सुबह में क्या हुआ था, गाईज? मुझे बीजेपी पार्टी पसंद है या कांग्रेस क्यों पूछ रहे हो क्यों पूछ रहे हो ये बताओ पहले तो वॉट वॉट एफ आई से कांग्रेस अगर मैं कहूं कांग्रेस तो क्या होगा और अगर मैंने बीजेपी कहा तो क्या होगा जल्दी से बताइएगा हाँ ओके okay गाइज़ चलो आज सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वी आर नॉट एबल टू यू नो रन इट एनी वे क्लास नहीं रन हो पाया एंड देन आई थॉट टू स्टॉप इट एनी वे तो मैंने स्टॉप कर दिया राइट right? चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आई वॉन्टेड कि पीपल पार्टिसिपेट करें पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सेशन बीच में ही uh, रुक गया और हम उसको पूरा नहीं कर पाए एनी वे कल जो है ना गाइज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कलर नहीं बताया आप लोगों ने मैं कैसे स्टार्ट करूँ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा गैज इस सेशन को क्योंकि बहुत सारे कम लोग यहाँ पे हैं वीजेपी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है कैन यू डिस्क्राइब कांग्रेस इन वन वन वर्ड डिस्क्राइब कांग्रेस आल्सो वन वर्ड अगर आप बीजेपी इज इक्व टू अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं तो आप कांग्रेस को भी वन वर्ड में डिस्क्राइब करिए प्लीज देखते हैं कितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन देते हैं इसी के साथ क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूड हमारे सामने वर्ड है एंटेम हमें इसका देना है फ्यूड होता है सामने से लड़ना जाके डुअल करना युद्ध करना बहस करना आर्ग्यूमेंट करना फ्यूड होता है राइट right? अमित क्या कर दिया है आपने लाइक कर दिया है ओके okay? अच्छा शेयर कर दिया है लाइक करने के लिए अभी मैंने बोला नहीं है ओके okay, फ्यूड यानी लड़ाई झगड़ा परेशानी करना किसी को ट्रबल देना किसी को परेशान करना इरिटेट करना बेलिजेंट है आप तो आप लड़ाई करेंगे डेफिनेटली है, है ना यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा एंटेनम बताना है फ्यूड यानी ट्रबल करना क्राइसिस यानी होता है कमी परेशानी किसी चीज की है ना कि आप क्राइसिस में हैं यानी है, आप प्रॉब्लम में हैं आप ट्रबल में हैं आप परेशान हैं तो इसका ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट क्या होगा क्या प्रॉब्लम होगा या क्राइसिस या ट्रबल ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव हैं और इससे रिलेट करते हैं किसी के पर कॉडियालिटी क्या होता है कॉडियालिटी अफेबिलिटी लविंगनेस सोशाबिलिटी ग्रिगरियस बहुत ज़्यादा आप Awesome person है, happening person है, 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 बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को करते हैं, amiable है, amicable है, loving है, है, है ना? तो राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा exactly सही है इसका बी राइट आंसर है चलो वन क्वेश्चन हो गया है बी राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है अलाइड Allate क्या होता है इनक्रीज होता है या ऑब्लिटरेटेड होता है या अराउज्ड होता है या याडिकेटेड होता है तो इनमें से कुछ वर्ड्स आप लोगों को आते हैं कुछ अभी बाकी है कुछ वर्ड्स आते हैं कुछ बाकी होंगे तो कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग कर पाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं कर पाएंगे है ना तो देखो अलेट क्या, क्या होता है सबसे पहले मैं आपको अलेट का अले एक्चुअली वर्ड क्या होता है अले वर्ड होता है और अले का मतलब होता है डिक्रीज डिक्रीज होना यानी कम होना यानी रिड्यूज दिखाई दे रहा है ना पेन साइज यानी कि लेसन uh, रिड्यूस करना लेसन करना डिक्रीज करना वीकन करना कमजोर करना और डिमिनिश करना ये सारे तो इसके सिनोनिम होंगे है ना एलिवेट करना भी हो सकता है अब आगे देखो अब हमें क्या है? बताना है इसका एंटोनिम बताना है इरेडिकेट कर दिया तो हमने ऑब्लिटरेट कर दिया हमने पूरी तरीके से मिटा दिया नामो निशान खत्म कर दिया दैट इज ऑब्लिटरेटेड दैट इज इरेडिकेटेड है ना डिवास्टेटेड डिटेरियरेटेड डैमेज डिस्ट्रॉयड ये डिस्ट्रक्टेड ये सारे सिनोनिम होते हैं अगर हमने अराउस कर दिया तो क्या कर दिया इंसाइट कर दिया सीड्यूस कर दिया एक्साइट कर दिया इंड्यूस कर दिया यानी उसमें एक्साइटमेंट बढ़ा दी उसको उकसा दिया उकसाना होता है एक तरीके से प्रवोक कर दिया बहुत अच्छे से तो इंक्रीज इसका क्या हो जाएगा एंटानिम हो जाएगा हमें एंटानिम चाहिए तो राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर सेकेंड ए यही बोल रहे हैं क्या सब लोग यस yes, नया वर्ड है बिल्कुल नया वर्ड है बताइए कांग्रेस मीन्स स्कैम ओके वेरी गुड देखिए यहाँ पे दो डेफिनेशन मिले हैं आज आज अपने जीके वाले सर को बताइएगा कि इंग्लिश वाले क्लास में हमने दो वर्ड देखे हैं बीजेपी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और कांग्रेस का मतलब मतलब स्कैम कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें तो दोनों में से किसी एक को भी नहीं पसंद करना चाहिए क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और सेकेंड में मुझे लगता है फर्स्ट में भी प्रॉब्लम है और सेकेंड में भी प्रॉब्लम है तो आप किसको वोट करेंगे स्ल्यूथ हमारे सामने एक वर्ड है स्ल्यूथ स्ल्यूथ का सिनोनिम बताना है ट्रैवलर्स होगा बॉयज होगा कॉन्वेक्स होगा या डिटेक्टिव होगा अब देखिए वर्ड्स अच्छे अच्छे हैं आज बिल्कुल नए नए वर्ड्स इसलिए रखे हैं क्योंकि आ, बार बार हम लोग जो हैं पुराने वर्ड्स ही पुराने वर्ड्स ही हम लोग हर बार ले रहे थे या स्नानिम्स ले रहे थे पर कुछ नए जिनके स्नानम्स वही आते जाते रहते हैं जैसे अभी हमने डिक्रीज का किया था अल डिटेक्टिव डिटेक्टिव होता है स्पाई होता है व्योमकेश बक्शी एक नेम था पहले जो डिटेक्टिव में सबसे पहले आता था या फिर अगर हम कहें जेम्स बौ, जेसन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड तो ये डिटेक्टिव्स के नेम है राइट नोटा करने से क्या होगा ये बताओ अगर आपने बहुत बार नोटा कर भी दिया अगर मान लो मैंने वोट देने गई मैंने भी नोटा कर दिया आपने भी नोटा कर दिया सब ने नोटा कर दिया इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए पॉलिटिकल आप लोगों बहुत होंगे अवेयर होंगे पॉलिटिकली अवेयर होंगे सर सब ने नोटा करा या बहुत सारे लोगों ने नोटा करा तो होगा क्या इसका क्या करा इफ यू हैव सेलेक्टेड नन ऑफ द अबव यानी हमें कांग्रेस नहीं चाहिए बीजेपी नहीं चाहिए आम आदमी नहीं चाहिए जो भी है वो नहीं चाहिए तो फिर अगर क्या होगा मतलब हैं, बॉयज हैं हैं, जाते है देख लीजिए डिटेक्टिव हो गया spy, क्या होता है? होता है, जिसने कोई क्राइम किया है अक्यूज है ना या फिर क्या होता है? जो जेल में रहते है ना जो आरोपी होते हैं जो सस्पेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है चोर को भी कहा जाता है तो सस्पेक्ट हो गया आरोपी हो गया अक्यूज हो गया बॉयज योल ट्रैवलोवेल जो जर्नी करते रहते हैं ट्रैवल करते रहते हैं ठीक है प्रेजिडेंट रूल नो 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 अरे आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोग तो इतने पढ़ने वाले आई एम फ्रॉम ओनली इंग्लिश पर आप लोगों को तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना अगर सब ने बहुत अगर बहुमत मिल गया नोटा को तो क्या होता है ये बताना था आप लोगों को गलत आंसर है प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है कुछ और होता है देखो स्ल्यूथानी क्या होता, स्लीव होता है, है स्पाई स्ल्यूथनी होता है जो लोग छुप कर किसी की जासूसी करते हैं जासूस और एस लगा हुआ नाउन है तो इसमें भी एस लगा हुआ राइट आंसर सिनोनिम का डिटेक्टिव हो जाएगा थ्री डी बिल्कुल सही है नोटा कैन बी अ अल्यूशन अगर आपको ये पता हो कि नोटा अगर सब लोग कर दे तो क्या होगा तब सोल्यूशन है अदरवाइज नहीं है री इलेक्शन कह रहे हैं ओके में भी बताइएगा पर एकदम अच्छे से और नहीं पता है तो फिर सर से डिस्कस करिएगा देखो नेक्स्ट हमारे सामने है नैब नैब वर्ड आया है अगर हम किसी को नैब करते हैं तो हम उसको कैप्चर कर देते हैं हम उसको कैप्चर करते हैं हम उसको सीज कर देते हैं हम उसको पकड़ के बंद कर देते हैं ठीक है ठीके? पकड़ लेते हैं कैच कर लेते हैं नैब तो हमें बताना है सुना फ्रीड है परसुड है अरेस्टेड है बीटन है तो बीटन यानी मारना पीटना अरेस्ट कर लेना यानी पकड़ लेना सिननिम सिननिम यस सिननिम हो जाएगा फ्री इसका क्या हो जाएगा एंटनिम छोड़ देना और परसु यानी कैरी करना ये नहीं होगा राइट आंसर है सी ये इसका एंटनिम बनेगा ठीक है सी एच एस एल पे ध्यान से देख लीजिए कल सुबह क्लास में हम लोग करने वाले हैं 2019 CHSL जो भी हुआ है इसके सारे idioms एंड फ्रेजेस आर यू रेडी फॉर दिस कल सुबह के सेशन में हम लोग करने वाले सारे के सारे idioms एंड फ्रेजेस कल सुबह के सेशन में करने वाले हैं हम लोग सारे अगर मैक्सिमम नोटा होता है तो री इलेक्शन होता है जो जो बंदे खड़े हुए हैं उनको हटा दिया जाता है उनकी जगह पे नए बंदों को लाया जाता है नए मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उन नए मेंबर्स के फेस पे फिर से वोट होता है री इलेक्शन होता है पूरा पता करिएगा आप इसको ये है पूरा प्रोसेस राइट चलिए ये देख लीजिएगा सीएचएसएल 2019 कल सुबह लेके आ रही हूँ मैं 2019 के सारे idioms and phrases कल हम लोग करेंगे चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक्स हमारे सामने वर्ड है स्टॉक का मतलब क्या होता है वॉक पोल्यूट पेनेट्रेट या परवेट परवेट होना यानी स्प्रेड होना स्पेशली स्मेल वगैरह का जो होता है फैलना उसको स्प्रेड को उसको फैलना कहा जाता है पेनीट्रोरेट यानी कोई चीज़ लगातार आपको परेशान कर रही उसको है उसको पेनीट्रेटिंग बोलते हैं पल्यूट यानी पल्यूट यानी फैलना हो जाएगा पल्यूट होना ख़राब होना डैमेज होना स्पॉइल्ड होना और बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्टॉक जो वर्ड है ना स्टॉक का मतलब क्या होता है कोई पेड़ है उसका स्टेम हो गया उसका कोई ब्रांच हो गया कोई शाखा हो गई कोई ब्रांच हो गई स्टेम हो गया कोई ट्विग हो गया कोई तिनका हो गया उसी को कहा जाता है तो बॉग्स जो होते हैं ना बॉग्स ये भी पेड़ के ब्रांचेस को कहा जाता है बॉग्स ऑफ द ट्रीज इसलिए यही रहेगा मेन से पहले वन वर्ड देखो मेन से पहले का गारंटी क्योंकि दिवाली ब्रेक है और वो हमें लेना ही पड़ेगा तो मे बी पॉसिबल अगर होगा तो हम लोग करा देंगे आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है इफ़ यू आर आउट ऑफ प्लेस अगर ग्रुप में रह के इफ यू आर फीलिंग आउट ऑफ प्लेस या पीपल आर फीलिंग एज एफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ देम यानी कि यू आर समथिंग इन अप्रोप्रिएट आप वहाँ पे उचित तो नहीं है और क्यों और समथिंग वियर्ड होता है, है ना होता होता, होता है, odd होता है, होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट नो इट इज नॉट करेक्ट हिस्टर ये नहीं होना चाहिए ठीक है? तो राइट आंसर आउट ऑफ प्लेस यानी अप्रोप्रिएट होगा स्ट्रेंज ऑड नहीं होगा अगले वाले में चलेंगे नेक्स्ट गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व मतलब माई नर्व्स को मतलब मेक्स मी सैड मेक्स मी इरिटेट मेक्स मी इल या पियर्सिंग माई ईयर ड्रम्स कान को चुभोना तो क्या होगा गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है गेट्स ऑन somebody's नर्व्स एक्चुअली ये माई माई गलत अच्छा वर्ड नहीं है सम्बडी होना चाहिए गेट्स ऑन सम्बडी नर्व या मेक्स सम्बडी सैड मेक् मेक्स सम्बडी इल इस तरीके से होना चाहिए था मेक्स सम्बडीज हो जाएगा फिर ये मेक सम्बडीज ईयर ड्रम्स है ना तो का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से अनॉय इरीटेट अपसेट कर देना किसी को बहुत बुरी तरीके से अनॉय इरीटेट अपसेट कर देना ठीक है ये इसका राइट आंसर होगा चलिए अगले वाले में चलते हैं एट्थ पे सीमी साइड ऑफ लाइफ लाइफ का सीमी साइड मतलब लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको कोई भी दिखाना नहीं चाहता है लाइफ की प्रॉब्लम्स हो लाइफ की समस्याएं हो लाइफ के ट्रबल्स हो लाइफ का ब्लैक साइड हो कोई दिखाना नहीं चाहता है तो दैट इज कॉल्ड सीमी साइड जहाँ पे आपने रिस्क लिए हो जहाँ पे आपने कुछ ऐसा किया होगा दैट इज दैट वॉज क्वाइट सैड ठीक है तो राइट right आंसर क्या होगा एन एडवेंचरस लाइफ नहीं अब लाइफ फुल ऑफ रिस्क एग्जैक्टली इसका क्या होना चाहिए था द सैड साइड्स ऑफ लाइफ या सैड कॉर्नर ऑफ लाइफ ये होना चाहिए था पर क्योंकि यहाँ नहीं है तो गिवन में से लाइफ फुल ऑफ रिस्क होगा नंबर नाइन पे एड फ्यूल टू द फायर क्या होगा जल्दी से बताओ इसका आंसर तो आप लोग बेटर बताएंगे टॉर्च याद आता है मुझे इससे टॉर्च याद आता है इससे मेंस की बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं चेक कर लीजिए आप प्लीज जाके एड फ्यूल टू द फायर क्रिएट प्रॉब्लम हैरस करना अग्रवेट ट्रबल या काम डाउन देखो एक वर्ड यहां पे अग्रवेट लिखा हुआ है एक वर्ड होता है अलिविएट एलिवेट करना और अग्रवेट करना क्या होता है एलिवेट करना यानी प्रॉब्लम को कम करना रिड्यूस करना लेसन करना या रिसीट करना डिमिनिश करना डिक्रीज करना और अलग करना यानी बढ़ाना, बढ़ाना, करना, करना असेंड करना। तो एड फ्यूल टू द फायर क्या होता है फ्यूल डालोगे फायर में तो वो अग्रेट होगा है ना तो राइट आंसर अग्रेट होगा ओके पीयूष आई गॉट योर पॉइंट विल डू इट टूमोरो ठीक है चलिए नाइन हो गया है टेन पे आएंगे वेयरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव हार्ट स्लीव पे स्लीव पे हार्ट को पहन के चलना मतलब अगर आपने हार्ट जनरली अंदर होता है यानी अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स कहाँ होती है अंदर और आपने क्या क्या, क्या? अपने इमोशंस को अपने फीलिंग्स को कहाँ ला के रखा हुआ है शोल्डर पे तो हर कोई देख सकता है रिवील कर दिया एक्सपोजिंग इनर मोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स अंदर की फीलिंग्स को अंदर की uh, क्या हो गया फीलिंग्स है इमोशंस है या जो भी आपके अंदर चल रहा है वो सब कुछ क्या कर देना रिवील कर देना एक्सपोज कर देना बाहर ला के दुनिया को दिखा देना दे ये होता है नेक्स्ट पे चलेंगे हाँ अब इसका आप लोग बताएंगे अनाथमेटाइज अनाथमेटाइज क्या होगा इसमें एक वर्ड है जो ग्रेट हिंट है एक वर्ड है जो ग्रेट हिंट है ठीक है अनाथमेटाइज इसमें देखो टी एच ई मैंने आपको एक दिन बताया था थियो यानी क्या होता है गॉड क्या होता है गॉड और थियो में अगर एना लगा देंगे या अ लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा थियोमेटाइज थियोमेटाइज यानी क्या होता है थियोमेटाइज यानी होता है ब्लेस करना गॉड का आशीर्वाद देना थियोमेटाइज होता है ब्लेसिंग और एनाथेमेटाइज हो जाएगा तो एनाथेमेटाइज क्या होगा किसी को कर्स करना है ना कर्स करना श्राप दे देना या किसी को डर कर देना कोई चीज है ये तो ईवल है या ये तो ओमनी om, uh, है है ना तो ये सब क्या है या ओमिनस है ओमिनस है यानी यानी श्रापित है यानी खराब है अगर आपने यूज कर लिया तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा बैड उसको करार आपने दे दिया ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर रेडिएट यानी शाइन करना चमकाना रेगुलेट करना या चीट करना या ब्लेस तो एंटेनिम करना एनाथाइज का कर क्या होगा ब्लेस करना कर्स इसका सिनोनिम होता है तो यहाँ पे ब्लेस इसका राइट आंसर होगा ओके डिसीव नहीं होगा मीनिंग देख लीजिए 12 पे चलते हैं विकैनल 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 क्या होता है विकैनल का मीनिंग होता है विकैनल है तो मतलब पार्टी है विकैनल है मतलब खूब चियर कर रहे हैं खूब आप एंजॉय कर रहे हैं ब्लिस है खूब आप ना फीस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं राजस्थान पटवार की क्लास होगी लेकिन बाद में होगी अभी पहले मेन्स और ये सीपीओ पे हमारा फोकस है क्योंकि एग्जाम होने वाले अभी नेक्स्ट देखिए रैक रैक कर देना क्या होता है रैक कर देना डिवेस्टेट कर देना डिस्ट्रॉय कर देना डिस्ट्रक्शन एग्जैक्टली exactly. डिवेस्टेशन या फिर डिस्ट्रक्शन नष्ट बुरी तरीके से सारी चीजों को क्या कर देना खत्म कर देना ठीक है गाइस

आज शाम को एक सेशन है आज शाम वाले सेशन में हम लोग करने वाले सीपीओ के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जितने भी सीपीओ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज शाम को करने वाले हैं आज शाम को नौ बजे ये क्लास होने वाली है ठीक है तो एक तो ये बता दीजिएगा आप लोगों की ड्यूटी है आप देखते हैं मैं सिर्फ भरोसा कर रही हूँ अपने मॉडरेटर्स पे कि मॉडरेटर्स पे ये जिम्मेदारी है आप कितने लोगों को लेके आते हो कितने लोगों को साथ रखते हो कितने व्यूअर्स रहते हैं आप लोगों के टाइम पे ये सब आप पे डिपेंड करता है तो प्लीज बिल्डिंग क्यों होगा इसका तो सीपीओ का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इंटायरली डिपेंड्स ऑन आर मॉडरेटर्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन आर स्टूडेंट्स जो लोग इसको जो लोग वाकई इसकी इंपॉटेंस को समझेंगे उन लोगों का काम है कि इस सेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिक करना बहुत ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचाना अब कैसे करते हैं आई डोंट नो बट यू हैव टू डू इट कैसे करते हैं इसके वेज आप सबको पता है बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं तो आपको ये करना है इसके अलावा कल सुबह हम लोग लेके आएंगे नौ बजे या दस बजे है ना कल सुबह नौ या दस बजे क्योंकि हम लोग लेकर आएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास सी वाली ठीक है तो सी एच एस एल वाली जो हमारी क्लास होगी नौ या दस बजे उसमें सारे इंप्रूवमेंट सारे हम लोग करेंगे सी एच एस एल के तो वहां भी आपकी ड्यूटी है आप लोग उसको स्प्रेड करेंगे ठीक है मेंस का मेन्स के लिए भी होगा ये ऑब्वियसली जब हम लोग सारे के सारे कर रहे हैं तो एक बात बताओ जो इसमें कंसेप्ट होंगे ऐसा तो है ही नहीं कि वो मेंस में नहीं आ सकते और आप देखेंगे सीपीओ का हर हर एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन आपको सिखाने वाला है सोलह हमने आज तक नहीं किया सीपीओ का सारे इंप्रूवमेंट मैं करवाऊंगी उसमें देख लीजिएगा आप दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट ठीक है अच्छा इसका आंसर रिलीव नहीं होगा इसका राइट आंसर रीस्टोर होगा रेक करना डिस्टेट कर देना खत्म कर देना ऑब्लिटरेट कर देना डिस्ट्रॉय कर देना डिस्ट्रक्ट कर देना नाश कर देना और रीस्टोर करना पुनः प्राप्त कर लेना किसी चीज को फिर से उसको बना देना होता है ना फाइल आपके डिस्ट्रक्ट हो गई स्पॉइल हो गई खराब हो गई और आपने उसको रीस्टोर कर लिया यानी प्राप्त कर लिया ठीक है तो राइट आंसर सी होगा डी नहीं होगा क्लियर है और एक और बात यहाँ पे क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए तो सीपीओ के सारे इडियम्स एंड सारे फ्रेजेस हम लोग करने वाले हैं कल शाम को नौ बजे या फिर परसों नौ बजे ठीक है एक दो दिन में ये भी आने वाला है तो ये इंटायरली डिपेंड करता है आज का क्लास आप लोग कैसे रखते हो तब आएगा ठीक है चलिए किसी के साथ ये रहा नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पाउंड है हमारे सामने इम्पाउंड करना क्या होता है अगर आपने इम्पाउंड कर लिया तो आपने किसी को क्या कर दिया सीज कर दिया सीज कर दिया यानी क्या होता है जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया कैच कर लिया रख दिया बंद करके ठीक है ये होता है इम्पाउंड ठीक है किसी को कस्टडी में ले लेना इम्पाउंड करना होता है हमें बताना है, चलो, है सीज करना, अरेस्ट कर लेना कस्टडी में रख लेना ये होता है राइट right. अब जेनरेट करना यानी स्टार्ट करना किसी चीज को जेनरेट करना स्ट्रेंथन करना पावर देना स्टिमुलेट करना यानी बूस्ट करना एनहेंस करना अप करना किसी को एनकरेज करना मोटिवेट करना ये होता है और राइट right, नेक्स्ट है रिलीज रिलीज यानी क्या होता है फ्री करना तो यहाँ पे स्ननम तो एक भी नहीं है तो राइट right आंसर मुझे लगता है ये स्नानिम नहीं एंटनम का क्वेश्चन है शायद ये गलती से हो गया है तो एंटेनम होगा इसका रिलीज या फ्री ये इसका राइट आंसर होगा राइट चलिए इसी के के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं जल्दी से आंसर बताइए इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से आज रात की नाइन ओ वाली क्लास बहुत बहुत बहुत, -बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर से देखिएगा और जरूर से उसको स्प्रेड करिएगा बहुत सारे लोगों तक जितना हो सके पहुंचाइएगा contended यानी क्या होता है satisfied अगर आप contended है तो आप satiated हैं आप satisfied हैं आप appeased हैं आप शांत है क्वाइट है काम है तो ऑपोजिट क्या होगा disappointed है ना gloomy या rash rash यानी जल्दी में है तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे appeased लिखा हुआ है सिनोनिम बताना है appeased इसका राइट आंसर होगा मुझे ऐसा लग रहा है Is there any problem guys? पटवार का एग्जाम गैस देखो टेन से टेन जनवरी से है ठीक है और मेंस का एग्जाम अभी परसों से है तो ऐसा मना थोड़ी ना करा हमने कि हम पटवार की क्लास नहीं करवाएंगे पटवार के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स और है जैसे रीट है और भी एग्जाम तो पटवार भी करवाना है और मैंने मना नहीं किया उसके लिए बस मैंने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है कि जस्ट आफ्टर दिवाली हम लोग सारे शेड्यूल को रिन्यू कर देंगे और सारे सेशन आएंगे डोंट गेट एग्री ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे हाँ सिनाम पूछा है हो गया नहीं इस सेशन में फाइव ही ट्वेंटी फिफ्टीन ही क्वेश्चन रहते हैं फाइव वीटीएम फाइव सनानियम्स फाइव एंटनियम्स इतने ही करते हैं हम लोग और ये पटवार वगैरह सभी के लिए ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये सिर्फ एस के एग्जाम्स के लिए राइट चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को आई होप आप लोगों को लास्ट रात वाला सेशन भी पसंद आएगा ग्रामर का सेशन है और कल सुबह और कल शाम को हम लोग ईडियम एंड फ्रेजिस के सेशंस को करेंगे जिसमें सारे एग्जाम में आते हैं सारे एग्जाम में ही आते हैं वो जो इडियम एंड फ्रेजेस है आपका पटवार जो है उसमें भी आएगा तो आप प्लीज नाराज ना हो क्योंकि उसमें भी आने वाला है वो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं तो इसी के साथ अब खत्म करते हैं इस सेशन को अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए और गुस्सा नहीं करिए सभी के लिए ये चैनल है ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ही फोकस करते हैं आप देखते हैं और आपका जो एग्जाम है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसमें भी ग्रामर आएगा उसमें भी ये ईटीएम एंड फ्रेजेस आएगा उसमें भी सना मानटनी में आएगा वही हम लोग कर रहे हैं भाई इसमें कहीं लिखा है क्या मैंने ये एस के लिए नहीं लिखा ऐसा तो एवरीबॉडी सभी के लिए है ये राइट नाइन ओ क्लॉक होगा आज का सेशन जरूर देखेगा कल सुबह भी होगा ओके okay? चलो अब खत्म करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वेरी मच